In this presentation, we are going to discuss the next topic of the unit 4th, transport layer, and the topic is TCP transmission control protocol. Let's first understand what is TCP. TCP is transmission control protocol. It is connection oriented protocol. It was specifically designed to provide a reliable end-to-end byte stream over an under-level network. That means it was designed to provide reliable end-to-end delivery of the byte streams, right? Next, the different issues to be considered in the TCP are the following: the TCP service model, TCP protocol, TCP segment header, the connection management, TCP transmission policy, TCP connection control, TCP timer management. Let's first discuss TCP service model. In TCP service model, there are few phases that we are going to discuss. So, first phase जो है इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे दो entities होती है जो communicate करना चाहती हैं वो क्या करती हैं अपने end पर एक socket create करती हैं. क्रिएट एंड पॉइंट्स, राइट, उनको क्या बोलते हैं हम सॉकेट. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमने सॉकेट जनरेट किए हैं हम क्या करते हैं इनके बाइंडिंग करते हैं. बाइंडिंग क्या होती है, हम इनको एक प्रॉपर एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं पोर्ट, राइट. उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारी एंटिटीज होती हैं जो कम्युनिकेट करना चाहती हैं वो क्या करेंगी, एक्सप्लिसिटली एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगी सॉकेट के साथ, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. नेक्स्ट है अपना टीसीपी कनेक्शन एज अ बाइट स्ट्रीम, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है. ये क्या होता है कि एक पूरे मैसेज को एक साथ नहीं भेजता, ये चंक्स की फॉर्म में मैसेज को डिवाइड करके भेजता है. नेक्स्ट टीसीपी प्रोटोकॉल, कि व्हाट प्रोटोकॉल्स टीसीपी जनरली फॉलोज, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम हियर, राइट. तो फर्स्ट हमारा क्या है कि जो भी हमारा बाइट स्ट्रीम होगा टीसीपी में उसको क्या करेंगे, एक 32 बिट का सीक्वेंस नंबर हम असाइन करेंगे, ठीक है. वो क्या होगा, हर बाइट स्ट्रीम के लिए अलग अलग होगा. नेक्स्ट है टीसीपी क्या करता है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को यूज़ करता है. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है, कि जो भी हमारे सेंडर और रिसीवर होते हैं दोनों साइड क्या होता है जो बफर होता है उसमें वो ये फिक्स कर लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा वो कितने फ्रेम्स एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट है अपना कि जब भी हमारा कोई भी सेंडर सेगमेंट सेंड करेगा टीसीपी में तो क्या होगा, एक टाइमर स्टार्ट कर दिया जाएगा. फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर उस जैसे ही हमारा सेगमेंट सेंड हुआ और अगर वो डेस्टिनेशन को रिसीव हो गया बिफोर द टाइमर गेट्स ओवर तो वो क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा उस पर्टिकुलर टाइमर के अंदर ही, ठीक है. और जैसे वो रिसीव हो जाएगा तो हमारा जो सेंडर है वो समझ जाएगा कि मेरा डेटा पूरा रिलायबल फॉर्म से मतलब सेंड हो गया है, उसमें कोई भी एरर नहीं हुई है. और उसमें क्या करेगा, वो जो एक्नॉलेजमेंट भेजा है उसमें क्या होगा, हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर होगा कि नेक्स्ट डेटा आप ये वाला भेजो, ठीक है. अगर क्या इनकेस क्या होता है कि हमारा टाइमर ऑफ हो जाता है और रिसीव सेंडर को कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता तो सेंडर क्या करता है, वापस से उस डेटा को रिट्रांसमिट करता है, ठीक है. नेक्स्ट है अपना टीसीपी हेडर. टीसीपी हेडर जो होता है वो अपना फिक्स है 20 बाइट्स का, राइट. इसमें वेरियस फील्ड हैं हमारे, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, टीसीपी हेडर लेंथ, ये हमारे फ्लैग बिट्स हैं. नेक्स्ट विंडो साइज, चेकसम, अर्जेंट, ऑप्शन फील्ड एंड देन अपना डेटा. वन बाय वन हम इन फील्ड्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है अपना सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट. ये क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं अपने डेस्टिनेशन और सोर्स को, ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनका एड्रेस लिखा हुआ होगा हमारे हेडर में, राइट. नेक्स्ट है अपना सीक्वेंस नंबर. मैंने अभी डिस्कस किया कि जितने भी मेरे बाइट स्ट्रीम होंगे उनको क्या करेंगे, हम एक स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड कराएंगे ताकि हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकें. नेक्स्ट है अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर, स्पेसिफाइज द नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड, राइट. ठीक है, जो भी नेक्स्ट डेटा ट्रांसमिट होना है ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है यहाँ पर. नेक्स्ट अपना टीसीपी हेडर लेंथ, यहाँ पर क्या आई हमारे टीसीपी के पूरे हेडर लेंथ आई. नेक्स्ट यूआरजी विच इज़ कॉल्ड अर्जेंट,
राइट, अगर तो इस बिट को हम वन सेट कर देते हैं, दैट मीन्स जो भी हमारा डेटा ट्रेवल हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अर्जेंटली ट्रांसमिट किया जाए। नेक्स्ट ACK विच इज़ एक्नॉलेजमेंट, इट इज़ सेट टू वन टू इंडिकेट दैट एक्नॉलेजमेंट नंबर इज वैलिड। राइट, अगर इसको वन सेट करते हैं दैट मीन्स जो भी हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो क्या है, वैलिड है। नेक्स्ट PSH इज इंडिकेट्स पुश्ड डेटा। पुश्ड डेटा क्या होता है कि जब भी हमारा कोई कोई भी डेटा होता है और वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, तो क्या करते हैं हम उसको अर्जेंटली सेंड कर देते हैं, हम वेट नहीं करते कि हमारा जो बफर है वो पूरा फिल हो और उसके बाद हम उसको सेंड करें। नेक्स्ट है अपना RST। RST इज रीसेट, इट इज़ यूज टू रीसेट अ कनेक्शन दैट हैज़ बिकम कन्फ्यूज ड्यू टू रिजेक्ट एन इनवैलिड सेगमेंट और रिफ्यूज एन अटेम्प्ट टू ओपन अ कनेक्शन। राइट, तो ये क्या करता है, हमारे कनेक्शंस को रीसेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है अपना फिन विच इज़ फिनिश, इज़ यूज टू रिलीज द कनेक्शन, कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइज, ये किस लिए यूज़ करते हैं, हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब हम देखते हैं कि TCP में कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे होता है, TCP कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। राइट, तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रिमिटिव्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहले क्या होता है कि सर्वर साइड से कुछ प्रिमिटिव्स रन होंगे इसमें। राइट, तो सर्वर साइड में क्या होगा, सर्वर जो है वो एक लिसन प्रिमिटिव एग्जीक्यूट करेगा, उससे क्या होगा कि वो उसके बाद वो क्या करेगा, वेट करेगा क्लाइंट का कनेक्ट, क्लाइंट का कि कोई भी जो भी उसको उसकी सर्विसेज लेना चाहता है वो उसको कनेक्ट कर सकता है। राइट, उसके बाद क्या होगा, जो भी क्लाइंट है वो क्या करेगा, एक कनेक्ट प्रिमिटिव सेंड करेगा, उसमें क्या करेगा, अपना IP एड्रेस सेंड करेगा और जिस पोर्ट से वो कनेक्ट करना चाहता है उसका डेटा भेजेगा उसमें। नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि जो भी सर्वर है वो क्या करेगा, उसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा विद दी एक्सेप्ट प्रिमिटिव। राइट, उसके बाद क्या होगा कि हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा और क्या होगा, जो भी हमारा क्लाइंट है वो क्या करेगा, सिंक बिट को ऑन करके और एक्नॉलेज बिट को ऑफ करके अपने डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। डायग्राम के थ्रू अपन देख सकते हैं कि जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो वो क्या करेगा, 3-way हैंडशेक परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स हमारे बिफोर डेटा ट्रांसमिशन 3 मैसेजेस ट्रांसफ़र होंगे। फर्स्ट अपना जो भी होस्ट 1 था और जो होस्ट 2 को कनेक्ट करना चाहता है उसने SYN भेजा विद सीक्वेंस नंबर X। नेक्स्ट क्या हुआ, जो भी होस्ट होता वो उसको रिसीव हो गया, उसने क्या किया, उसको एक्नॉलेज किया। राइट, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि नेक्स्ट सीक्वेंस का नंबर भेज दिया उसने। उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या हुआ कि नेक्स्ट जो हमारा मैसेज था उसमें क्या हुआ कि हमारा जो भी सीक्वेंस नंबर था उसको X+1 से सेंड किया और एक्नॉलेज कर दिया Y को, जो उसने Y डेटा भेजा था उसको एक्नॉलेज कर दिया Y+1 से। राइट, तो यहाँ पे 3 मैसेजेस हमारे ट्रांसफर हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3-way हैंडशेकिंग। नेक्स्ट है अपना TCP कनेक्शन रिलीज। तो TCP कनेक्शन रिलीज कैसे होता है, ईच सिंप्लेक्स कनेक्शन इज रिलीज इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स सिबलिंग। राइट, टू रिलीज अ कनेक्शन आइदर पार्टी कैन सेंड अ TCP सेगमेंट विद अ फिनबिट सेट। मीन्स जो भी पार्टी अपना कनेक्शन रिलीज करना चाहेगी वो क्या करेगी, TCP सेगमेंट में अपने फिनबिट को सेट करके भेज देगी। दैट मीन्स वो और कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं करना चाहता। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, उस फिनबिट को एक्नॉलेज किया जाएगा और उसके बाद क्या होगा, उस साइड से हमारा कनेक्शन शट डाउन हो जाएगा, वहाँ से कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होगा। लेकिन अदर साइड से क्या होगा, डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है जब तक वो खुद को शट डाउन नहीं करेगा। राइट, तो क्या होगा, जब दोनों पार्टी शट डाउन कर देंगी तो उसके बाद हमारा कनेक्शन पूरा कम्प्लीटली रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना TCP कनेक्शन मैनेजमेंट मॉडलिंग। TCP कनेक्शन मैनेजमेंट मॉडलिंग में क्या होगा कि द स्टेप्स रिक्वायर्ड एस्टेब्लिशिंग एंड रिलीज कनेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश और रिलीज करने में, उनको क्या कर सकते हैं, हम 11 स्टेट्स के थ्रू फाइनाइट स्टेट मशीन में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि व्हेन लीगल इवेंट हैपेंस सम एक्शंस मे बी टेकन। ठीक है, जब भी क्या होगा, कोई लीगल इवेंट होगा तो कुछ एक्शन हमारा ज़रूर परफॉर्म होगा। अगर कुछ इलीगल इवेंट होता है तो उसके लिए क्या होगा, एक एरर रिपोर्ट कर दी जाएगी सर्वर के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फाइनाइट स्टेट मशीन के फॉर्म में। यहाँ पर हमारे 11 स्टेट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं।
अब इनका क्या क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्या है कि जो भी हमारा सर्वर है वो क्या करेगा, एक लिसन प्रिमिटिव लिसन लिसन स्टेट में होगा, राइट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक लिसन कमांड सेंड करेगा, प्रिमिटिव सेंड करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो भी क्लाइंट है उसको रिसीव करना चाहता है वो क्या करेगा, एक सिंक प्रिमिटिव भेजेगा, सिंक स्टेट में होगा वो, राइट। उसके बाद जो भी सर्वर है उसको वो सिंक RCVD सिंक रिसीव्ड से उसको एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा थ्री वे हैंडशेक हो गई प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्या होगा, वो एस्टेब्लिश स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब हमारा कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, फिन को एग्जीक्यूट करेगा और क्या करेगा, अपने कनेक्शन को रिलीज करना चाहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन इट इज़ टू डज अ क्लोज अ फिन इज सेंड टू द क्लाइंट, राइट। ठीक है, अब क्या होगा कि क्लाइंट ने तो भेज दिया, फिर दूसरे साइड सर्वर भी भेजेगा उस कनेक्शन को बंद करने के लिए। व्हेन द क्लाइंट्स एक्नॉलेजमेंट शोज अप द सर्वर रिलीज द कनेक्शन एंड रिलीज द कनेक्शन रिकॉर्ड। जैसे ही क्या होगा, हमारे सर्वर को क्लाइंट का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, वो क्या करेगा, कनेक्शन को रिलीज कर देगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उस कनेक्शन की हिस्ट्री को कम्प्लीटली डिलीट कर देगा अपने रिकॉर्ड से। डायग्राम में यही दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेट अपने लिसन, उसके बाद सिंक सेंड, उसके बाद सिंक रिसीव्ड, उसके बाद क्या हुआ, हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, फिर हमारा डेटा ट्रांसमिट हुआ। उसके बाद क्या किया, जो भी हमारा क्लाइंट था उसने क्या किया कि फिनिश के लिए उसको सेंड किया, फिर क्या हो गया, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, फिर उसको लास्ट चेक करेगा, देन उसके बाद क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द क्लाइंट, वो क्या करेगा, वो सॉरी सर्वर, वो क्या करेगा, फिन स्टेट में जाएगा पहले। ठीक है, फिन भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा और क्लोजिंग में चला जाएगा। नेक्स्ट इन केस अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाता है तो क्या करेगा, दूसरा फिन भेजेगा, वेट करेगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना TCP ट्रांसमिशन पॉलिसी, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी डायग्राम से मैं अभी आपको बताऊँगी, इसमें क्या है कि जो भी हमारा रिसीवर है उसके उसके पास 4096 बाइट का बफर है, और जो भी मेरा सेंडर है उसके पास 2048 बिट्स हैं, 2048 बाइट सेगमेंट है जिसको वो सेंड करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रांसमिशन पॉलिसी में देखेंगे कि जो भी मेरा सेंडर था इनिशियली क्या करेगा, वो अपने इनिशियली वो अपने 2048 बाइट्स को भेजेगा। ठीक है, उसके बाद इनिशियली क्या हुआ, देखो रिसीवर साइड पे क्या है, हमारा बफर वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, वहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। तो जैसे क्या हुआ, रिसीवर सेंडर ने अपना फर्स्ट डेटा भेजा तो क्या किया, उसने उसको रिसीव कर लिया। नेक्स्ट जब उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा तो उसने भेजा कि आपका जो डेटा भेजा गया था वो रिसीव हो गया है, और उसने क्या किया, उसके साथ साथ एक विंडो साइज अपडेट भी भेजा उसको कि मेरे पास अब 2048 बाइट्स का ही स्पेस फ्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि जो अब क्या है, अभी उसके पास और स्पेस बचा हुआ है तो सेंडर को पता चल गया, उसके बाद क्या है, वो वापस से उतना ही डेटा और भेज देगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हमारे रिसीवर साइड में हमारा बफर फुल हो गया। अब क्या है, रिसीवर की कैपेसिटी नहीं है कि वो और डेटा रिसीव कर सके, तो उसने एक एक्नॉलेजमेंट भेजा कि 4096 बाइट्स मेरे को रिसीव हो गई है, राइट, और जो मेरा विंडो साइज़ है वो जीरो है, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं और डेटा ले सकूं। तब तक क्या होगा, इतने टाइम के लिए सेंडर क्या है, ब्लॉक हो जाएगा, दैट मीन्स इन बिटवीन वो कोई भी डेटा सेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे ही वो उस डेटा को प्रोसेस कर लेगा, वो एक और अपडेट भेजेगा कि अब मेरा विंडो साइज जो है वो फ्री हो गया है 2048 बाइट्स के लिए, आप अपना डेटा भेज सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेरा जो भी सेंडर है वो क्या करेगा, और नया डेटा वो भेज सकता है। तो ये हमारी हो गई ट्रांसमिशन पॉलिसी की किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है। इसमें अब ट्रांसमिशन पॉलिसी में एक प्रॉब्लम आती है सिली विंडो सिंड्रोम की। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा रिसीवर साइड में बफर फुल हो जाता है और वो रिसीवर बहुत स्लो है उसको प्रोसेस करने के लिए, तो वो क्या करता है, बार बार 1 byte का अपडेट भेजता है। इससे क्या होता है कि उसका बफर कभी फ्री हो ही नहीं पाता, वो 1 byte का अपडेट भेजता है, उधर से क्या है, जो भी सेंडर है वो उतना ही डेटा ट्रांसफ़र कर देता है, ये एक लूप सा चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट है अपना TCP कंजेशन कंट्रोल। TCP कंजेशन कंट्रोल के लिए क्या करते हैं हम कि जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वहाँ पर क्या होता है, एक सुटेबल विंडो साइज़ को फिक्स कर दिया जाता है।
जो भी हमारा बफर एलोकेट होता है वहाँ पर हम सुटेबल विंडो साइज एक फिक्स कर देते हैं। अगर जो भी हमारा सेंडर है अगर वो उस विंडो साइज को फॉलो करता है तो क्या होता है, हमारी कोई भी बफर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं बोलूँ कंजेशन की प्रॉब्लम कोई भी नहीं आती है। पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ इंटरनल कंजेशन भी हो जाते हैं नेटवर्क में, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा लार्जेस्ट सेगमेंट होता है, ठीक है, जो भी हमारा लार्जेस्ट सेगमेंट होता है उसके लिए हम एक कंजेशन विंडो इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जब भी वो सेगमेंट कम्प्लीटली एक्नॉलेज हो जाता है बिफोर द टाइमर गोज ऑफ, टाइमर से पहले एक्नॉलेज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उस कंजेशन विंडो का साइज़ उसके जितना वो था हमारा सेगमेंट उतने से उसको बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी मेरा एक्नॉलेज हुआ मेरा सेगमेंट तो कंजेशन विंडो का साइज उतना बढ़ता जाएगा। तो लास्ट में क्या होता है, कंजेशन विंडो साइज इज एन सेगमेंट इफ ऑल एन आर एक्नॉलेज ऑन टाइम द कंजेशन विंडो इज इंक्रीज बाय द बाइट काउंट करस्पॉन्डिंग टू एन सेगमेंट, ठीक है। तो एन सेगमेंट के साइज के हिसाब से वो बढ़ जाएगा अपना कंजेशन विंडो का साइज। तो कंजेशन विंडो कीप्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अनटिल अ टाइम आउट अकर और रिसीवर्स विंडो इज रीच्ड, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी कंजेशन विंडो जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है, इससे क्या है हमारी कंजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है अपना टीसीपी टाइमर मैनेजमेंट। टीसीपी टाइमर मैनेजमेंट में हम थ्री टाइप्स ऑफ टाइमर पढ़ने वाले हैं, रीट्रांसमिशन टाइमर, परसिस्टेंट टाइमर एंड कीप अलाइव टाइमर। रीट्रांसमिशन टाइमर क्या है कि जब भी सेंडर कोई भी डेटा भेजेगा वो क्या करेगा, उस टाइम पे एक टाइमर स्टार्ट कर देगा और उस टाइमर के एंड होने तक वेट करेगा कि वो जो डेटा उसने भेजा उसका एक्नॉलेजमेंट उसको रिसीव हो जाए। इन केस अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता और मेरा टाइमर ऑफ हो जाता है तो सेंडर क्या करेगा, उस डेटा को रिट्रांसमिट करेगा, ठीक है, और फिर से दोबारा से टाइमर को स्टार्ट कर देगा। परसिस्टेंट टाइमर क्या है हमारा, परसिस्टेंट टाइमर क्या होता है कि हमारा जो भी रिसीवर है वो क्या करता है कि अपने विंडो साइज़ का अपडेट भेजता रहता है कि मेरे विंडो साइज़ फ्री है या नहीं है। तो क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर किसी रिसीवर का विंडो साइज़ ज़ीरो है, उसके पास अभी कोई भी फ्री स्पेस नहीं है, तो सेंडर क्या है उस टाइम पे ब्लॉक फॉर्म में चला जाता है, मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन पॉलिसी में, ठीक है। तो वो क्या है, वो वेट करता रहेगा कि मेरे रिसीवर से अपडेट आए विंडो का, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो अपडेट है वो नेटवर्क में लॉस हो जाता है, तो इसके लिए क्या होता है कि परसिस्टेंट टाइमर चलता है। इस पर जैसे ही हमारा टाइमर ऑफ होगा उसके बाद क्या होगा, जो भी मेरा सेंडर है वो क्या करेगा, एक मैसेज खुद से रिसीवर को भेजेगा कि आपका जो भी विंडो साइज है आप उसको अपडेट करें। इन केस स्टिल अगर मेरा जो विंडो साइज है वो जीरो है तो क्या करेगा सेंडर, वो क्या करेगा, परसिस्टेंट टाइमर ऑन हो जाएगा और क्या होगा वो वेट करता रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी। इन केस अगर उसको नॉन जीरो अपडेट रिसीव होता है वो उस टाइम पे क्या करेगा, अपने डेटा को फ्लो कर देगा। नेक्स्ट है कीप अलाइव टाइमर। कीप अलाइव टाइमर किसलिए आता है कि व्हेन अ कनेक्शन हैज बीन आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, हमारा कनेक्शन आइडल है, तो इस समय क्या होगा कि जब टाइमर ऑफ हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक साइड जो है वो क्या करेगी, दूसरे साइड को चेक करेगी कि वो स्टिल अलाइव है या नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो क्या होगा, हमारा जो भी कनेक्शन हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। आज की स्लाइड में इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।